नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि इस तरह बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के नियम। तो दोस्तों, वो कौन से नियम है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और इंक्रीमेंट और प्रमोशन निर्धारित होगा, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए नया नियम लागू होंगे। इनमें पदोन्नति से जुड़े नियमों के बदलाव किए जाएंगे, यानी पदोन्नति के आधार पर वेतन वृद्धि का बदलाव होगा। शांत पे कमीशन में जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है वह फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जिसमें 2016 में शांत पे कमीशन के समय लागू किया गया था। नए वेतनमान के बाद सकल वेतन में 14% की वृद्धि हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग क्या होगा? सरकार को बढ़ावा देने और वेतन बढ़ाने का नया फॉर्मूला क्या होगा? हाल के दिनों में कई ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि शांत पे कमीशन के बाद नेक्स्ट पे कमीशन नहीं आएगा। हालांकि सरकार पदोन्नति के नियमों में बदलाव कर सकती है, पदोन्नति के लिए ऑटोमेटिक रिवीजन पे सिस्टम शुरू कर सकती है, जिसमें 50% होने पर डीए अपने आप पदोन्नत हो जाएगा, निचले स्तर के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ेगा। दोस्तों, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने के बाद कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, जिससे कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है और उनका महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो चुका है। हरिशंकर तिवारी ने बताया है कि पे कमीशन की प्रणाली लंबे समय से लागू है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पदोन्नति और वेतन में वृद्धि के लिए केवल वेतन आयोग ही विकल्प है। नई व्यवस्था के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। प्रमोशन के लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। नए वेतन आयोग पर कोई भी कार्रवाई 2024 के बाद शुरू होगी, तब तक पदोन्नति मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी। शांत पे कमीशन की सिफारिश को 28 जून 2016 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अपनी सिफारिशों में शांत पे कमीशन ने भी कहा था कि सरकार वेतन में संशोधन करे न केवल 10 वर्षों में एक बार, बल्कि समय समय पर कर्मचारियों के वेतन संशोधित किया जाए। जानकारों के मुताबिक छठे वेतन आयोग में प्रवेश स्तर पर मूल वेतन 7,000 रुपये था, वही डीए 125% पर मिलता था, यानी बेसिक से ज़्यादा डीए बढ़ा दिया गया था। बाकी भत्तों और कटौतियों को मिलाकर कर्मचारियों को महीने में 14,757 रुपये मिलते थे, लेकिन सेवंत पे कमीशन लागू होने के बाद सकल वेतन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन डीए को संशोधित और कम किया गया। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, सितंबर से आपको 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो दोस्तों, शांत पे कमीशन के तहत नए वेतनमान में पे मैट्रिक्स के आधार पर वेतन दिया जाता है। वेतन मैट्रिक्स फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा है। शुरुआती सत्र के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी का 2.57 गुना मिलता है, यानी पे मैट्रिक्स में लेवल 1 का बेसिक 18,000 रुपये प्रति माह है, जबकि लेवल 18 पर यह 2,50,000 रुपये प्रति माह है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आई थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।